मुंबई की लोकल ट्रेनों के डिब्बों में क्यों लगाए जा रहे हैं सर्च एक्स मुस्लिम ऑन यूट्यूब के पोस्टर, देखिए। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 23 जनवरी को हमारे एक व्यूअर सब्सक्राइबर जो कि लोकल से यात्रा करते हैं, उन्होंने लोकल का एक फोटो हमें भेजा। लोकल के डिब्बे के अंदर का एक फोटो है, एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम सर्च ऑन यूट्यूब। क्यों लगाए गए ये पोस्टर, हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की, अपने तरीके से सर्च किया यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर हमें एक्स मुस्लिम के नाम से कई वीडियोस, कई व्लॉग जो है वो नजर आए। अलग अलग लोगों ने इसको अपलोड किया है, इसमें दीन से भटके हुए कई मुसलमानों के कई सारे वीडियोस हैं, सैकड़ों की तादाद में, अनअकाउंटेड जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे एक्स मुस्लिम के टैग से, शीर्षक या हेडलाइन से ये वीडियोस आपको अपलोड मिलेंगे। लेकिन हमने सर्च करके जानने के लिए ये सर्च किया, समझने के लिए सर्च किया, आप लोग जो है इस फंदे में ना पड़े, क्योंकि तमाम तौर पर जो है इसमें इस्लाम धर्म की बुराइयां और दीन की खराबियां बताई गई है। कई जगहों पर जो है इसमें फेक आईडीज भी है और फेक बातें भी है, कॉन्कॉनेटेड जानकारियां भी है, फैब्रिकेटेड मिसकंसेप्शन इस तरीके का जो है, गडमट करके कुरान की आयतों का अलग मतलब निकाल करके ऐसे कई वीडियोज बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं एक्स मुस्लिम ऑन यूट्यूब, एक्स मुस्लिम के अलग अलग वीडियोस, अलग अलग जो चैनल्स है उसके ये स्क्रीनशॉट्स है। तो इतने ज्यादा पैमाने पर अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है दीन इस्लाम को बुरा बताने के लिए। एक्स मुस्लिम होने का दावा करके हम एक्स मुस्लिम क्यों हुए, इसके अपने तौर पर कारण गिना करके, उसको बिल्कुल रीजनेबल बता करके इस दुष्प्रचार को किया जा रहा है। इस तरह से जो है एक नेगेटिव नैरेशन जो है वो इस्लाम को लेकर के खड़ा किया जा रहा है। यही मकसद है कि मुंबई की लाइफलाइन समझी जाने वाली लोकल ट्रेनों के डिब्बों में ये पोस्टर लगाने के बाद जाहिर सी बात है एक्स मुस्लिम का नाम आएगा। देश का फिलहाल जो नफरती माहौल बना दिया गया है उसमें ज्यादातर लोग जो है यूट्यूब पर जाएंगे, एक्स मुस्लिम को सर्च करेंगे, सर्च करने वालों में मुस्लिम भी होंगे और वो इन वीडियोस को देखने के बाद जो इसमें अतार्किक और बेतुके सवाल जो खड़े किए गए हैं, बेतुके किस्से जो बताए गए हैं, बेतुकी बातें जो बोली गई है उसको अपनी जहन में लेंगे और अपने जहन में लेने के बाद जो है वो भी हो सकता है भटकने वाली दिशा में चल पड़ेंगे। इस मकसद के अलावा तो हमें इसके पीछे दूसरा कोई मकसद दिखाई नहीं देता। अब यहां कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये पोस्टर्स लगाने वाले कौन हो सकते हैं और उनका मकसद क्या है।